तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले गुरुवार यानी कि 11 अप्रैल को ईद के खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसने सिनेमाघरों में 20 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुआ है सिनेमाघरों में 21वां दिन चल रहा है। तो वही दूसरी तरफ थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ के सामने बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की फिल्म मैदान, जिसने सिनेमाघरों में 20 दिन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं और फिल्म को रिलीज हुआ है सिनेमाघर में 21वां दिन चल रहा है। तो बात करेंगे इस वीडियो में मैदान फिल्म अपने पहले 20 दिनों में इंडिया के अंदर टोटल कितनी कमाई करने में कामयाब रही, तो वही फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है और आज अपने 21वें दिन यह फिल्म कितनी कमाई करने वाली है और फिल्म का 21 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो जाएगा। और साथ ही साथ बात करेंगे बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के बारे में, इस फिल्म के पूरे 20 दिनों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और आज अपने 21वें दिन ये फिल्म कितनी कमाई करने वाली है। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अक्षय कुमार और अजय देवगन को बेहतरीन अभिनेता मानती हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की। 350 करोड़ रुपये की बजट से ये फिल्म बनी थी और अक्षय कुमार बॉलीवुड के बहुत बड़े सुपरस्टार भी हैं। अगर हम बात करें बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म की अभी तक की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो हम आपको बता दें कि ये अली अब्बास जाफर के डायरेक्शन में बनी थी ये फिल्म, जिसका बजट था 350 करोड़ रुपए का और फिल्म में हमें बड़े स्टार कास्ट नजर आई थी। अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुब्रमण्यन और सोनाक्षी सिन्हा अहम किरदार में नजर आए थे। अगर हम बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो अपने पहले दिन अपने ओपनिंग डे पर 36 करोड़ 33 लाख रुपए की कमाई ये फिल्म की थी और फिल्म का जो 4 दिनों का वीकेंड रहा था वो 40 करोड़ 80 लाख रुपए इंडिया से नेट हो गया था। तो वही फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 96 करोड़ 18 लाख रुपए कमा लिए थे। 19वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 40 लाख रुपए का, 20वें दिन फिल्म ने कमाई 50 लाख रुपए, आज 21वें दिन ये फिल्म 40 लाख रुपए की कमाई करने वाली है और फिल्म की जो अभी तक की टोटल कमाई है 21 दिनों की वो 63 करोड़ रुपए इंडिया से नेट हो रही है और वही फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन है वो 150 करोड़ रुपए की पास जा पहुंचा है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो चुकी है। लेकिन चलिए बात करते हैं बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन के फिल्म मैदान के बारे में। हम आपको बता दें कि मैदान फिल्म से पहले अजय देवगन की शैतान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट रही थी। ये मैदान फिल्म अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनी थी, जिसको प्रोड्यूस किया था जी स्टूडियो और बनी कपूर ने और फिल्म में हमें अजय देवगन अहम किरदार में नजर आए थे और फिल्म का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए का था। अपने पहले दिन अपने ओपनिंग डे पर 10 करोड़ 70 लाख रुपए की कमाई की थी ये फिल्म और फिल्म को 4 दिनों का वीकेंड मिला था, 4 दिनों के वीकेंड पर वो 22 करोड़ रुपए की कमाई की थी। तो वही फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 33 करोड़ 86 लाख रुपए की कमाई की थी 4 दिनों में। उसके बाद अगर हम बात करें 19वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में,